स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन यूनिट में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। इसे मोल प्रभाज कहेंगे। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन के पार्ट्स को क्लियर कर दूंगा आपको। इन अ सॉल्यूशन टू सब्सटेंस आर प्रेजेंट कॉल्ड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक पार्ट है विलेय और दूसरा भाग है विलायक। विलेय वह है जो डिजॉल्व होगा और विलायक वह भाग है जो डिजॉल्व करेगा, मींस सॉल्यूट को अपने आप में डिजॉल्व करेगा। लाइक एज ए वाटर, वाटर इज ए बेस्ट सॉल्वेंट। जल एक प्रकार का अच्छा विलायक है, सार्वत्रिक विलायक। जबकि सुगर, चीनी, साल्ट, ये सब डिजॉल्व होने वाले सब्सटेंस हैं जो सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, अर्थात इनको सॉल्यूट कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं और बोथ सब्सटेंस के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, मींस मोल्स रेशियो है। और मोल्स के लिए हमने आपको बताया कि द मोल नंबर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम, मींस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अगर पदार्थ की मात्रा में उसके अणुभार का डिवाइडेशन कर दें तो हमें मोल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपली फार्मूला यूज करते हैं, मोल नंबर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम से, देन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पूरे विलयन में जितना अभी अंश उपस्थित है उनके मोलों की संख्या। तो दोनों पार्ट्स के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले विलेय पदार्थ के लिए, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन पार्ट ए इज सॉल्यूट, ए भाग जो है वो विलेय है, घुलने वाला है, एंड बी सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट, विलायक। तो इनके मोलों की संख्या फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, मोल नंबर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम। शॉर्टली सिंबलाइज करेंगे फार्मूले को, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मीन्स द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या प्लस विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या। एंड सिंपली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देन सेकंड फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मींस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल्स टू, अपोजिट कर देंगे इसका, जो सॉल्यूट का फार्मूला था उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, मीन्स द मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट। विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या प्लस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो बच्चों, आज मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन सेड टू यू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH मींस एथेनॉल और एथिल अल्कोहल एंड H2O water in a solution containing
46 gram of ethanol and 36 gram of water. It means 1 billion mein 46 gram ethanol aur 36 gram jal ko mila karke billion banaya gaya. और इस विलयन में उपस्थित एथेनॉल का और वाटर का प्रत्येक अंश का मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रवाह में ज्ञात करना. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज दैट दिस इज अ सॉल्यूशन, ये एक विलयन है जिसमें एथेनॉल की उपस्थिति है 46 ग्राम और जल की उपस्थिति है 36 ग्राम और इनको मिला करके ये सॉल्यूशन बनाया गया. तो पहले हमें मोलों की संख्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मोल नंबर्स निकालने पड़ेंगे. फार्मूला, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट मींस एथेनॉल इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम. तो डब्ल्यू है इसका आपको क्वांटिटी दी है क्वेश्चन में 46 ग्राम और एथेनॉल का मॉलिकुलर वेट भी 46 होता है. तो डिवाइड करेंगे तो मोल नंबर मिलेगा 1, मींस स्मॉल एम का वैल्यू मिलेगा 1. देन मोल नंबर ऑफ H2O, यहाँ H2O सॉल्वेंट है, विलायक है, W अपॉन M से W दे रखा है आपको 36 ग्राम और 18 है इसका मॉलिक्यूलर वेट. डिवाइड करेंगे तो हमें कैपिटल M का वैल्यू मिल जाएगा 2. तो यहाँ से मोल नंबर्स मिला 1 और 2. स्मॉल n इज 1 एंड कैपिटल n इज 2. देन मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ, एथिल अल्कोहल, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटलियन. स्मॉल n का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 1, तो 1 अपॉन 1 और कैपिटल n का वैल्यू 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 देन 1 अपॉन 3. डिवाइड करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मिलेगा 0.33. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यहाँ H2O यानी वाटर आपका सॉल्वेंट विलायक है. तो इसके लिए मोल प्रभाज का फार्मूला, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या. वैल्यू पुट अप करेंगे 2 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/3. डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा 0.66.